हेलो गाइस, मैं पुष्पेंद्र यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिट कैरियर पे। फ्रेंड्स, सीबीएसई ने क्लास 12 के फिजिक्स के बोर्ड के एग्जाम जो होने वाले हैं उनके एग्जाम के पैटर्न में कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ बदलाव किए हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं उन्हीं चेंजेस के बारे में, उन्हीं बदलाव के बारे में बात करने वाला हूं। इससे स्टूडेंट्स को किस तरह का फायदा हो सकता है या किस तरह का नुकसान आने वाले समय में देखने को मिल सकता है, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ही है। अगर आप किसी अदर बोर्ड के स्टूडेंट हैं, यानी कि अगर आप यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, पंजाब बोर्ड या किसी अदर बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो वीडियो आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इस वीडियो को यहीं पे छोड़ दीजिए, आगे ना देखें। लेकिन अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि इस तरह की वीडियो जब भी मैं कभी लेके आऊँ तो आप तक सबसे पहले और आसानी से पहुँच जाए। तो आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन को प्रेस कर दिया होगा। तो चलिए करते हैं शुरू। दोस्तों, मैं बात करता हूँ कि आपके एग्जाम के पैटर्न में सीबीएसई की तरफ से क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, अब मैं आपको उसके एक बार बताता हूँ। तो आप लोगों के एग्जाम के पैटर्न में जो चेंजेस किए गए हैं वो ये है कि पहले आप लोगों की जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हुआ करते थे, टोटल जो क्वेश्चंस आते थे वो 26 क्वेश्चन आते थे। यानी कि पहले 2018 में आपके क्वेश्चन पेपर में आपके 26 क्वेश्चन आया करते थे, लेकिन 2019 में यानी कि 2019 में आपके जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 27। यानी कि 2019 में आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 27 क्वेश्चंस आएंगे। यानी कि अगर मैं ओवरऑल बोलूँ तो पहले आपके 26 क्वेश्चन आते थे, अब आपके 27 क्वेश्चन आएंगे। ये एक चेंज हुआ है। और इसके साथ ही साथ आपके जो 2018 में जो सेक्शंस हुआ करते थे वो ए बी सी डी ई, यानी कि 5 सेक्शंस टोटल हुआ करते थे, लेकिन अब 2019 में आपके सिर्फ और सिर्फ 4 सेक्शन हुआ करेंगे, ए बी सी डी। यानी कि जो सेक्शन डी हुआ करता था पहले, जो 2018 में जो सेक्शन डी हुआ करता था, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन का 4 मार्क्स का एक आया करता था क्वेश्चन, अब वो पूरी तरह से हटा दिया गया है। अब वो आपके क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल भी नहीं आएगा। और अब बात करते हैं कि आपका जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स है, यानी कि जो पूरे के पूरे आपको मार्क्स मिलते हैं, 70 नंबर का पेपर आपका पहले भी होता था, 70 मार्क का पेपर आपका अब भी होगा, यानी कि 70 मार्क्स का पेपर अब भी होगा, 70 का पहले भी होता था। तो अब 4 नंबर आपके कम किए गए हैं, उन 4 नंबर को एडजस्ट भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए सीबीएसई ने क्या किया है कि आपको जो सेक्शन बी होता था, जहाँ पे आप लोगों के 2 मार्क्स से क्वेश्चंस होते थे, उसमें सीबीएसई ने थोड़ा सा चेंज किया है। उसने सेक्शन बी में 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 नए क्वेश्चन, 2 नंबर के और ऐड किए हैं। पहले आपके सेक्शन बी में सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन आया करते थे, लेकिन अब आपके सेक्शन बी में 7 क्वेश्चन आएंगे। और इस तरह से आपके जो 70 मार्क्स में 4 नंबर कम किए गए थे सेक्शन डी के क्वेश्चन को हटा के, अब आपका 4 नंबर इस तरह से सीबीएसई ने पूरा किया है। और दोस्तों, यही नहीं, सीबीएसई ने एक बदलाव और भी किया है। वो बदलाव ये है कि आप लोगों को अब इंटरनल चॉइस ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकेगी। अब मैं बात करूँ इंटरनल चॉइस क्या होती है, तो इंटरनल चॉइस का मतलब होता है कि आपने देखा होगा आपके क्वेश्चन पेपर में, आपने जब भी क्वेश्चन पेपर दिया होगा, आपने जब भी पेपर दिया होगा तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं वो और में लिखे आते हैं। एक क्वेश्चन लिखा होगा, उसके नीचे लिखा होगा और लिखने के बाद एक नया क्वेश्चन लिखा होगा। तो मतलब क्या होता है कि आपको या तो ऊपर वाला करो या तो नीचे वाला करो, इस तरह से आपको एक चॉइस मिलती थी। ये चॉइस अब आपको बढ़ा दी गई है, यानी कि पहले से ज़्यादा क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कि इंटरनल चॉइस किस तरीके से आपके एग्जाम में बढ़ा दी गई है। तो मैं इसका एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ आपको, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो ये देखिए, सबसे साइड में आपको सेक्शन लिखा हुआ दिख रहा होगा, यहाँ पे सेक्शन ए बी सी डी ई, ये सारे सेक्शन यहाँ पे दिख रहे हैं। उसके बगल में जो 18 लिखा हुआ है, उसके नीचे मैंने 011 ऐसे लिखा हुआ है, और उसके साइड में जो 19 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सेक्शन के नीचे सेक्शन ए लिखा हुआ है, और 2018 में सेक्शन ए में कितने इंटरनल चॉइस मिलती थी, जैसे कि 2018 में सेक्शन ए में 0 नंबर क्वेश्चंस पे इंटरनल चॉइस थी, मैंने यहाँ पे 0 लिखा है। और 2019 में अब इसमें आपको 2 इंटरनल चॉइस मिलेंगी 1 नंबर के क्वेश्चंस में। तो ये एक चेंज हुआ है। इस तरीके से आप सेक्शन बी का भी देख सकते हैं, यहाँ पे 2018 में आपको 1 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस मिलती थी, लेकिन अब आपको 2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस मिलेगी। इस तरीके से आप सभी का देख सकते हैं, सी डी ई का भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ सीबीएसई ने आप लोगों के एग्जाम के पैटर्न में जो चेंजेस किए हैं, इससे आने वाले समय में आपको किस तरह का नुकसान देखने को मिल सकता है। तो इससे नुकसान ये होगा कि आपके जो सेक्शन डी आता था, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता था, उसको पूरी तरह से हटा दिया गया है, वो आपके क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। तो क्या होता था पहले कि स्टूडेंट से 1 बार 2 बार या 3 बार प्रैक्टिस करता था, और वहाँ पे 4 में से 3 नंबर लाना 3.5 नंबर लाना, और यहाँ तक कि 4 में से 4 नंबर लाना बड़ा ही आसान होता था, और स्टूडेंट जो होते थे बड़ी आसानी से वहाँ पे नंबर ले आया करते थे। लेकिन अब उस क्वेश्चन को हटा दिया गया है, तो अब वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम बच्चों को हो सकती है।
और दोस्तों मैं बात करता हूँ इससे आपको किस तरह का फायदा हो सकता है। तो फायदा ये है कि आप लोगों के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में जो इंटरनल चॉइस आप लोगों को दी जाती थी वो बढ़ा दी गई है। इससे फायदा ये होगा कि आपको एक क्वेश्चन अगर नहीं आता तो आप उसकी जो और करके जो सेकंड पार्ट उसका दिया हुआ है आप उसको आसानी से कर सकते हो। और ये सीबीएसई की तरफ से आप लोगों को एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया गया है और ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर जो मैंने आपको इसका नुकसान बताया, जो मैंने आपको इसकी डिसएडवांटेज बताई, अगर मैं उससे और इन लोगों को कंपेयर करूँ उसके फायदे को, तो आपको जो फायदा है बहुत ज़्यादा है। यानी कि अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो फायदा बहुत ज़्यादा है और जो मैंने नुकसान बताया वो बहुत ही कम है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप लोगों को सीबीएसई की तरफ से ये बहुत बड़ा एक गिफ्ट दिया गया। दोस्तों सीबीएसई की तरफ से जो चेंजेस किए गए हैं आप लोगों के एग्जाम के पैटर्न में, आप अगर उन्हें ऑफिशियली जानना चाहते हैं तो आप सीबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.cbse.nic.in आप इसे वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं, या फिर जो सीबीएसई के लेटेस्ट सैंपल पेपर हैं आप उन्हें डाउनलोड करके जो पुराने सैंपल पेपर हैं उनको कंपेयर करके भी आप देख सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। और ये देखिए मैंने आप लोगों के जनरल इंस्ट्रक्शन जो है 18 के, वो देखिए आपके यहाँ पीछे दिख रहा होगा, ये तो 18 का सैंपल पेपर का जो जनरल इंस्ट्रक्शन है ये वो है, आप इसे पढ़ लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट लेके। और ये देखिए 19 का है, आप इसे एक बार पढ़ लीजिए, कंपेयर आप कर सकते हैं दोनों को एक बार पढ़ने के बाद। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ मुझे शेयर करें ताकि उनकी भी थोड़ी हेल्प हो सके।